Good morning class 10th students as you all know in previous video lecture we have learnt about Mendeleev's periodic table and we have also discussed about some of the advantages of Mendeleev's periodic table. So students in today's video lecture we are going to discuss some limitations of Mendeleev's periodic table. Okay students and after that we will also discuss introduction part of modern periodic table. Okay, students. So let's get started today's video lecture. So class tenth, limitations of Mendeleev's classification. Students, as we have also learnt about some advantages, Mendeleev periodic table have also some defects. सो so स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं डिफेक्ट्स को कि मैंडलीव प्रोडिक टेबल में उसकी क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट्स थे कि एक और जो है लॉ लाना पड़ा साइंटिस्ट को उनको डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वन इज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स जो मंडलीव्स था उसने जो है हाइड्रोजन की पोजीशन करेक्टली डिफाइन नहीं की थी वाई बिकॉज स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप वन में भी जो है उसको प्लेस किया था बिकॉज वो प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता था ग्रुप वन के एलिमेंट्स से ग्रुप वन के एलिमेंट्स कौन से थे अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स क्या होते हैं जो दोज मेटल्स विच वैन रिएक्ट विद वाटर गेव अस बेसिस एंड जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप सेवेंथ एलिमेंट्स लाइक आपके जो हैलोजन्स हैं उनमें भी काउंट होता था उसमें भी प्लेस किया था दैट मीन्स जो मैंडलीव है उसने हाइड्रोजन को सेम टाइम पे टू प्लेसेस अलॉट की थी ग्रुप वन में भी बिकॉज वो ग्रुप वन की प्रॉपर्टीज़ को भी ग्रुप वन के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी रिजेंबल करता था उसके साथ साथ उन्होंने जो है हाइड्रोजन को ग्रुप सेवन में भी प्लेस किया था हेलोजन्स के साथ बिकॉज वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हेलोजन्स के साथ भी रिजेंबल करता था बट स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो हम एक एलिमेंट को एक एलिमेंट जो है एट ए टाइम टू ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज तो शो नहीं कर सकता सो so, इसने जो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी पर्टिकुलरली वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये उसने डिफाइन क्लियरली नहीं किया लेट टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सो क्लास टेंथ यहां देखें बच्चे कंपाउंड्स जो थे अल्कलीस के साथ एन के सी एल के हो गया पोटेशियम एन ए टू ओ एन ए टू एस कम्पाउंडस जो हैलोजन के साथ बन रहे थे वो थे हमारे सी एल टू एन ए सी एल के सी एल बी सी एल थ्री और जो हमारे हाइड्रोजन के कम्पाउंड्स थे वो क्या थे एच टू एन ए एच के एच बी एच थ्री ए एल एच थ्री सो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डाई अटोमिक मॉलिक्यूल किसने बोला ये मैंडलीव की ये क्लासिफिकेशन थी मैंडलीव ने ये क्लासिफाई किया जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक मोलिक्यूल है सिमिलर टू हाइड्रोजन में बी प्लेस्ड विद हेलोजन बट मेंडलीव डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट दिस नॉर्मली उसने जो है इस अनॉमली ये बच्चे अनॉर्मली है अनॉर्मली मीन्स मिस्टेक तो मैंटलीफ ने ये मिस्टेक जो थी कि एक ही चीज को एक ही एलिमेंट को उसने सिमिलर टू टू ग्रुप्स में एट ए टाइम उसने प्लेस किया है तो क्या रीजन है पर्टिकुलरली उसने इस चीज़ को डिफाइन करना जो है ज़रूरी नहीं समझा और ना ही इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी ओके okay, स्टूडेंट्स इसको आगे जाके क्लासीफाई किसने किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो स्टूडेंट्स ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट्स में क्या था बच्चे सम केसेस में मैंडलीव ने एलिमेंट्स जो हैं उनकी सिमिलरिटीज जो उनकी प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज थी उनके अकॉर्डिंगली उनको प्लेस कर दिया बट उसने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था इंक्रीजिंग अटोमिक मासिस बट कुछ एलिमेंट्स के केस में उसने क्या किया अगर उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी तो उसने उस बेस में उनको प्लेस कर दिया ये चीज जो है वहां पे स्पेसिफाई नहीं की उनको जो है इंक्रीजिंग अटोमिक मास के बेस में उसने उसको उन कुछ एलिमेंट्स को प्लेस नहीं किया वाइल सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बट कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने क्या कर दिया इकट्ठे ग्रुप कर दिया दस द पोजिशन ऑफ दीज एलिमेंट्स वॉज नॉट जस्टिफाइड इन ये जो एलिमेंट्स थे जिनको ने कुछ को सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पे रख दिया ना कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को इकट्ठे ग्रुप कर दिया तो उनकी पोजिशन प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं थी फॉर एग्जाम्पल कोबॉल्ट जिसका अटोमिक मास फिफ्टी है वॉज प्लेस बिफोर निकल जिसको निक्कल से पहले रखा गया बट निकल का अटोमिक मास फिफ्टी है तो अगर ये इंक्रीजिंग एटोमिक मास का कॉन्सेप्ट लेके टेबल दे रहा है तो उस अकॉर्डिंगली कोबोल्ट जो है वो निकल के बाद आना चाहिए था बिकॉज इसका मास जो है अटोमिक मास इससे कम है एक ग्रुप में रखना चाहिए सेपरेटली प्लेस किया गया कॉपर वॉज प्लेस ग्रुप वन ऑल्थो इट डिड नॉट रिजेंबल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कॉपर को जो है मैंडलीव ने फर्स्ट ग्रुप में उसको एक पोजिशन दी जबकि वो जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कोई भी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करता थर्ड वन इज एनोमल पेयर इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक एर्गोन, पोटेशियम कोबोल्ट निकल टेलूरियम, इंडियम आयोडीन इन सब का अरेंजमेंट भी प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं था आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे टॉमिक मासिस दिए हैं एर्गोन का 40, पोटेशियम का 39, नाइन कोबोल्ट का 58.9, निकल का 58.6, टेलूरियम का वन और आयोडीन uh, का वन तो ये अरेंजमेंट नहीं था बिकॉज जो था उसको पोटेशियम से पहले प्लेस किया गया था एरगोन का बच्चे आप देख सकते हो मास गया कर रहा है कि उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मासिज आप सबने भी स्टेटमेंट पढ़ी हुई है तो उस अकॉर्डिंग तो आना चाहिए था तो ये भी इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी अदर पेयर्स भी थे जैसे टेलोरियम का अटोमिक मास 127.6 है उसको आयोडीन से पहले रखा था जबकि आयोडीन का अटोमिक मास कम था कोबाल्ट और निकल का जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा और यहाँ पे आप सीरीज भी देख सकते हो यहाँ पे टेबल भी शो किया गया है यहाँ बच्चे टेबल भी शो किया गया ये आपकी फर्स्ट सीरीज ये सेकंड सीरीज यहाँ देख सकते हो आप ये जो है सेन सेम सेम आपके ये इसका फिफ्टी पॉइंट नाइनटी फोर है और इसका फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी है तो उस अकॉर्डिंग ये बाद में आना चाहिए था कोबोल्ट निकल के केस में तो इस तरीके से जो है ये इसने अनोमल पेयर्स को प्लेस किया था जो इसकी मिस्टेक थी जिसको क्लासीफाई जस्टिफाई मॉडिफाई किया गया नेक्स्ट जो आपका आया था मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो अभी तक टिल अभी तक जो है वो चल रहा है ये देखें यहाँ पे लिखा है एबियम और क्रोमियम स्टूडेंट्स मोर थिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है अब आपका नाइन्थ या एट्थ नहीं है कि आप नेम याद रखोगे या आपको कुछ ही एलिमेंट्स के सिम्बल्स याद होंगे तो, तो दैट इज फाइन नो बच्चे आपको जो है हर एलिमेंट के आपको अच्छे से सिंबल्स और नेम्स जो हैं अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप उनको कहीं कहीं पे आपको एग्जाम में बच्चे सिंपल एक सिंबल दे दिया होता है अगर आपको उसका जो है नाम ही क्लियर नहीं होगा तो आप उस सिंबल को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे बच्चे ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज इंपॉर्टेंट आपको जो है सिंबल्स अच्छे से लर्न करने हैं सो क्लास टेंथ नेक्स्ट वन इज आइसोटोप्स आप सबने नाइन्थ क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा है आर आर आइसोवॉर्स है ना बच्चे आर एटम्स ऑफ सेम डिफरेंट सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास ऐसे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका अटोमिक मास डिफरेंट होता है बट अटोमिक नंबर क्या होता है सेम ठीक है जैसे देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हम तीन आइसोटोप्स हैं हमारे पास एक अटोमिक मास वन का एक टू का और एक थ्री का अकॉर्डिंग टू मैंडलीवस पीरियोडिक टेबल देर शुड बी प्लेस्ड एट थ्री सेपरेटेड प्लेसेस अगर हम मैंडलीव टेबल की स्टेटमेंट में जाए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक मास तो वहां पे हाइड्रोजन के लिए थ्री सेपरेट प्लेसेज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू इट्स अटोमिक मास सो स्टूडेंट्स आइसोटोप्स हैव नॉट बीन गिवन सेपरेट प्लेसेस इन द प्रोडिक टेबल जो मैंडीव का प्रियोडिक टेबल था वहाँ पे आइसोटोप्स को सेपरेट प्लेसेस नहीं दी गई बिकॉज आइसोटोप्स होते ही क्या है सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट ऑटोमिक मास तो अगर ये ऑटोमिक मास के बेस पर बात कर रहे हैं तो इनको आइसोटोप्स को भी अलग डिफरेंट uh, पोजिशन जो है देना जरूरी था uh, जैसे एग्जाम्पल इज टू आइसोटो ऑफ कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बट प्लेस एट द सेम पोजिशन कार्बन के भी टू आइसोटो है पोजिशन दी गई थी तो अगर हम एटोमिक मास के बेस पर किसी चीज को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमें आइसोटोप्स को जो है वहां पे प्रेफर करना जरूरी है हमें इसको भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जो कि मंडली टेबल में नहीं किया गया क्लास टेंथ मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वन इज लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट स्टूडेंट्स लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स क्या है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अलग से सीरीज थी फोर्टीन एलिमेंट्स दैट फॉलो लेंथेनम लेंथेनाइड्स आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स जो है लेंथनम के बाद फोर्टीन एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए थे जिनको पीरियोडिक जो है आपका पीरियोडिक टेबल था उसमें उसको स्पेस नहीं मिली इसीलिए उनको एक अलग से उनका एक छोटा सा टेबल बनाया गया जो फोर्टीन एलिमेंट्स का था फोर्टीन एलिमेंट्स थे उसमें जिनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स एंड फोर्टीन एलिमेंट्स जो है एक्टिनियम के बाद डिस्कवर हुए एक्टिनियम के आगे वाले जो फोर्टीन एलिमेंट्स थे उनको नाम दिया गया एक्टिनाइड्स इनको प्रॉपर प्रॉपर प्लेसेस जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई जिसकी वजह से इनको जो है डिफरेंट ग्रुप्स बनाने पड़े इनको अलग डिफरेंट चीज ग्रुप्स में टेबल्स में इनको क्या करना पड़ा रखना पड़ा क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसने जो है प्रिडिक्शन नहीं की थी उसकी प्रिडिक्शन में जो न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन थी उनमें जो है बहुत ज़्यादा क्या थी अनसर्टिनिटी थी अनसर्टिनिटी बोल सकते हो आप तो इसी वजह से जो है इन एलिमेंट्स को जो लेंथेनम के बाद के फोर्टीन एलिमेंट्स थे उनको नाम दिया गया लेंथेनाइट्स और जो आपके एक्टिनियम के बाद के फोर्टीन एलिमेंट्स थे उनको नाम दिया गया एक्टेनाइट आई विल शो यू स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर दीज आर लेंथेनाइट्स फ्रॉम सीडियम सीरियम टू ल्यूटीटियम और एक्टेनाइट्स फ्रॉम थोरियम टू लोरिनियम ठीक है ये जो ये आपके फिफ्टी एट से लेके सेवेंटी वन के एलिमेंट्स हैं यहां आप देख सकते हैं आपका जो फिफ्टी uh, एट वाला है बच्चे यहाँ देखिए फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन के बाद डायरेक्ट सेवेंटी टू आ गई तो ये फिफ्टी सेवन और सेवनटी टू के बीच के जो फोर्टीन एलिमेंट्स है स्पेस नहीं मिली प्रॉपर टेबल में तो इस वजह से इनको अलग से जो है इनको अलग रखा गया है जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं और नेक्स्ट आपका आ गया एक्टिनाइट एक्टिनाइट कौन से टॉमिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है नाइन ठीक है बच्चे यहां देख सकते हैं आप एटी नाइन नाइनटी नाइनटी के बाद यहाँ पे क्या

नाउ अंडरस्टैंड द काज ऑफ इन द द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रियोडिसवन दैट इज कौन कौन से एलिमेंट्स गए आपके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रेंसीशियम ये इनके थ्रू हम प्रियोडिसिटी का क्या कारण था उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई टू वन टू एट वन इस तरीके से टू एट एट वन टू एट एटीन एट वन टू एट एटीन एटीन एट वन टू एट एटीन थर्टी टू एटीन एट वन इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जब आपने कार्बन कंपाउंड्स में भी आउटोमोशल्स के जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था पहले टू वन की तरीके से होता है फिर टू एट वन फिर टू एट एट वन फिर टू एट बीच में एटीन आ जाएगा यहाँ एट वन फिर बीच में दो एटीन आ जाएंगे एंड फिर देन उसके बाद बीच में थर्टी टू आ जाएगा ठीक है सो ऑल दीज एलिमेंट हैन इलेक्ट्रॉन इन दउटोमोशल यहां आपने ये चीज देखी यहां पर सबके आउटोमोशल में क्या है वन इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड हेन्स दे है प्रॉपर्टीज विच आर फॉलोज तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है जो कैसे हैं किस तरीके से हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट सभी होंगे ठीक है क्योंकि सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वन बैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है दे फॉर्म मोनोवेलेंट के टाइम्स दे आर सॉफ्ट मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव एंड देर फोर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन दे रिएक्ट विद वॉटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन सो स्टूडेंट्स ये आपको प्रॉपर्टीज बताने का मतलब क्या था इट इज नोटिफाइड दैट क्या चीज देखी गई कि जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिकेशन है जिनके बैलेंसल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज सो स्टूडेंट द रीअ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिकेशन इन द काज ऑफ प्रियोडिस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट मेडलिव टेबल बॉज्लेनिस नाकाम रहा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हेलोजन का अगर हम ग्रुप देखें तो इसके आउटोमोल में भी सभी हेलोजन के आउटमोल में कितने इलेक्ट्रॉन थे सेवन सो यहाँ से भी हमें एक एविडेंट मिला कि सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबके ऑटोमो शेल्स में और बैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन सबकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी सेम थी सो स्टूडेंट्स इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं द काज ऑफ प्रियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वो क्या थी रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ्टर स्ट्रेन सर्टेन रेगुलर uh, इंटरवल्स कुछ सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद जिनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सिमिलर थी वो प्रॉपर्टीज उनमें रेपिटेशन थी उनकी सिंस रेपिटेशन आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड प्रियोडिसिटी प्रियोडिसिटी किसको बोलते हैं एक पीरियड के बाद जब कोई प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट्स की सिमिलर रिपीट होती हैं देअर फोर प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू प्रियोडिसिटी इन देयर किस वजह से थी ये प्रियोडिसिटी इसका रीजन क्या था जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस थी वो इसका

चीज से उसमें डिस्टर्बेंस हो गई पीरियोडिक लॉ में देर वॉज नो नो प्लेसेस फॉर आइसोटोब्स ये भी हमने पढ़ा इन सब रीजन की वजह से इट वॉज वेल्ड दैट द अरेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल शुड बी बेस्ड ऑन देयर ऑन सम अदर प्रॉपर्टी बिकॉज अभी तक हमने जितने लॉज पढ़े न्यू लॉ न्यू लैंड लॉ ऑफ फॉर टेब्डर ट्रेड्स आपका पीरियोडिक लॉ ये सब किसके ऊपर थे अटोमिक मास के ऊपर तो ये चीज महसूस की गई कि इस प्रॉपर्टी को ही हमें चेंज करके देखना चाहिए कि क्या होता है सो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल में अ नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रोडिक टेबल प्रपोज किए गए टाइम टू टाइम बट जनरल प्लान जो टेबल का था वो सेम रहा क्या चीज जो मैन ने दिया था आ, क्या था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक स्टूडेंट्स टेबल विच इज मोस्ट कॉमनली यूज एंड बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ एलिमेंट उसको क्या बोला गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल एंड इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं मॉडर्न टेबल जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल के नाम से भी जाना जाता है Moseley, बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाइनटीन थर्टीन एक इंग्लिश फिजिस थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि हमें इन स्पाइट ऑफ अटोम की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए एंड नॉट द अटोमिक मास शुड बी ऑन द बेिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सो उसने एक मॉडर्न पीओडिक लॉ दिया क्या था वो लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑर द प्रियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक नंबर उसने क्या किया उसने उस प्रॉपर्टी को ही जिस बेस पे ये सब साइंटिस्ट जो है लॉ प्रपोज कर रहे थे उसने उस प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया उसने अटोमिक मास को ही चेंज कर दिया उसने क्या यूज किया अटोमिक नंबर्स उसने कहा हमें अटोमिक नंबर्स के बेस पे जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके देखना चाहिए सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इफ एलिमेंट्स आर अरेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दे एटोमिक नंबर्स द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन regular intervals. So, students fortunately, even with the revised periodic law, the Manleafs classification did not require any major revision as it was based on properties of the elements. In fact, students taking atomic number as the basis for classification removed major defects from it, such as anomalous sphere, pairs, position of isotopes, position of hydrogen. ये सारी चेंजेस जो है पीरियडिक टेबल में पीरियडिक लॉ में की गई कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं उसमें सजेस्ट की गई पीरियडिक टेबल में एंड नाउ वी शेल लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन इट्स फाइनल शेप दैट इज बीइंग यूज नाउ उसी टेबल में चेंजेस करके न्यू पीरियडिक लॉ को जो है ड्राइव किया गया फॉरचुनेटली मॉडर्न प्रियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज बच्चे इसको याद रखना बिकॉज आपको एग्जाम में बहुत बार कन्फ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दे दिया जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रियोडिक टेबल और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रियोडिक टेबल सो स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स इन दिस टेबल द एलिमेंट्स आर अरेन्ज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर्स दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है इन सच वे दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम कॉलम जिनके बारे में और वहां पर एट ग्रुपेड थेट इज ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसिस उनको प्लेस किया गया एटींथ ग्रुप में जिसको आप ऐसे भी लिखते हो विच इज एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टेबल हेलोजन को ग्रुप सेवनटीन में प्लेस किया गया जिसमें मैं जिस

जिनकी इसने अलग सीरीज बनाई थी आर प्लेस्ड इन टू थ्री टू ट्वेल्व ग्रुप विच अक्कर एट द मिडल ऑफ द टेबल स्टूडेंट्स द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको मैंने आपको भी पहले भी बताया लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं उनको टू सेपरेट सीरीज में रखा गया एट द बॉटम ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल सो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिस थे जिन बेसिस पे मॉडर्न प्रियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया ठीक है कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रियोडिक टेबल ये एक चार्ट था एलिमेंट्स का जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अटोमिक नंबर्स द टेबल कंसिस्ट ऑफ ऑरिजेंटल रोज जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम्स दैट वॉज कॉल्ड एज ग्रुप्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन थी कैसे डिस्क्राइब किया गया था लेफ्ट पोर्शन में ग्रुप वन और ग्रुप टू था जो नॉर्मल एलिमेंट्स थे मिडल पोर्शन ग्रुप में क्या था थ्री टू ट्वेल्व एलिमेंट्स जिसमें टू सीरीज थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोला गया था लेनाइट और एफ्टेनाइट्स जिनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली कैप्ट किया गया था और राइट पोर्शन में क्या ग्रुप्स थे थर्टीन टू एटीन जिनको भी हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोल सकते हैं वो बाद में क्लासीफाई होगा क्या मेटल्स से क्या नॉन मेटल्स से ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू जो आगे का हम पीरियड्स uh, क्या होते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं ट्रेंड्स क्या थे इनमें यह सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आई होप दिस मच इज क्लेयर टू यू जितना भी हमने आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा आई होप आपको समझ आ गया होगा इफ देर इज एनी क्वेरी इन यूर माइंड एनी क्वेश्चन एनी डाउट डू आस्क मी इन योर डाउट सेशन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अनाइज डे